Hey friends, welcome back to my channel, and those who are new, welcome to my channel. So जी friends, आज की जो video है वो है आप लोग बहुत देखना ही चाह रहे होंगे कोई पाकिस्तानी मेरी videos में, और क्योंकि मेरे पास आसपास कोई ज़्यादा पाकिस्तानी नहीं है, असल में मेरी university में ही कोई नहीं है, तो इसलिए ना मेरी videos में पाकिस्तानी आपको दिखने को नहीं मिलते. लेकिन जो मेरा नेबर कंट्री है, कोरिया का नेबर कंट्री चाइना, वहाँ पे है एक पाकिस्तानी, एक बलोची लड़की, वो है यूट्यूबर. तो आज मैं आप लोगों को उनका चैनल इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ, और मैं उनसे कुछ मज़े मज़े के क्वेश्चंस भी करूँगी, ताकि आप लोग जो हैं वो आप लोगों को पता चले कि उनके वीडियोस या उनका यूट्यूब किस बारे में, वो चाइना पे क्यों गई है. मतलब कुछ मैं ऐसे सवाल करना चाहती हूँ उनसे जिससे आप लोग वीडियो भी मज़े से देखें, ऊपर से आप लोगों को कुछ नॉलेज भी मिले चाइना के बारे में, उनके लाइफ के बारे में, जो भी. तो क्यों ना वीडियो शुरू करें और एंड तक ज़रूर देखिएगा, ओके. और उनकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि आप वहां से जाके उनका यूट्यूब चैनल चेक करें. लेट्स गो. सबसे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल, और ना उम्मीद है आप ठीक होंगी, और फिर भी मैं पूछती हूँ आप कैसी हैं. और ना सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप ना अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि जो व्यूवर्स हैं मेरे उनको पता चले आपके बारे में. थैंक यू सादिया, आई एम टोटली फाइन अल्हम्दुलिल्लाह. और अच्छा इंट्रोड्यूस करवाऊँ, ठीक है. अस्सलाम वालेकुम गाइस, और मैं महजान बलोच, और मैं पाकिस्तान से हूँ, और अभी मैं चाइना में मेडिकल कर रही हूँ, और ये मेरा फाइनल ईयर. तो मेरा सेकंड सवाल ये है कि आप ना अभी चाइना में पढ़ाई कर रही हैं, तो आप मतलब किस सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रही हैं, और उसके अलावा क्या मतलब आप सेल्फ में पढ़ाई कर रही हैं या फिर किसी स्कॉलरशिप में हैं? और हाँ, अगर स्कॉलरशिप में है तो प्लीज़ स्कॉलरशिप के बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए, ताकि दूसरे लोगों को बहुत हेल्प मिल सके. ओके, सो अभी मैं चाइना में मेडिकल कर रही हूँ MBBS, और ये मेरा फाइनल ईयर है, और मैं सेल्फ पे हूँ, स्कॉलरशिप नहीं, क्योंकि जब मैं चाइना आई थी उस टाइम मुझे स्कॉलरशिप का नहीं पता था. और अभी भी स्कॉलरशिप चाइना में है लेकिन मेडिकल में नहीं है. और बाकी अगर किसी को मतलब स्कॉलरशिप के बारे में कुछ पता करना है, लाइक ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर स्कॉलरशिप पे बात हो, तो मेरे चैनल पे बहुत सारे और भी कंट्रीज़ और चाइना के भी स्कॉलरशिप के बारे में वीडियोस हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो मेरे चैनल पर देख सकता है. और अभी मुझे आप ये बताइए कि जो आपका YouTube चैनल है वो किस बारे में है, और आपके कंटेंट्स वगैरह क्या होते हैं, तो आप थोड़ा उसके बारे में बताएं. अच्छा, तो मेरा YouTube चैनल जो है ना, यहाँ पे मोस्टली मैं अपने व्लॉग्स अपलोड करती हूँ. लाइक मैं ट्रैवल करने के लिए जाऊँ, वो व्लॉग्स होते हैं, मेरे डेली लाइफ के अबाउट व्लॉग्स होते हैं, चाइना के लाइफ के बारे में व्लॉग्स होते हैं, और कुछ स्कॉलरशिप स्टडी इस टाइप के भी होते हैं, और कुछ और भी बहुत सारी वीडियोस होती हैं. तो मतलब सब कुछ मिक्स है मेरे चैनल. तो जैसे मुझे पता चला कि आप चाइना में रहती हैं, तो अगर चाइना में रहती हैं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक सवाल आया है, जो कि हर किसी के दिमाग में चल रहा होगा, वो सवाल कि ना चाइना के अभी मतलब हालात कैसे हैं, उधर क्या सिचुएशन है, और लॉकडाउन है कि नहीं है, आप लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं सब कुछ. और ना मैं बता दूँ कि कोरिया में ना फिलहाल हालात थोड़े बेटर हैं, हम लोग नॉर्मली बाहर आते जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली हम प्रिकॉशंस लेते हैं, मास्क वगैरह पहनते हैं, लेकिन हालात बेटर है पहले से. इट वॉज़ वेरी हार्ड टाइम, जो कि बहुत ही हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन अभी चाइना ने रिकवर कर लिया है, अभी सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, और हमारी इंशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ भी जो है ना 19th को ओपन हो जाएंगे, और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा. बहुत टफ़ टाइम था, बस लाइफ का एक पार्ट था जो कि आ गया और गुजर भी गया. तो यही है हालात आजकल चाइना में. और अभी का जो मेरा सवाल है वो है कि क्या आप ना पाकिस्तान को मिस करती हैं? क्योंकि मैं ना फॉरेन कंट्री में रहती हूँ, आप भी फॉरेन कंट्री में रहती हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं वो भी फॉरेन कंट्री में रहते हैं, तो मतलब मैं पाकिस्तान को बहुत मिस करती हूँ, मेरा बहुत दिल करता है पाकिस्तान जाऊँ, लेकिन ना पढ़ाई वगैरह की वजह से फिलहाल नहीं जा पा रही. इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी जाऊँगी. तो आप बताएं आपका क्या हाल है पाकिस्तान का? ओ माय गॉड सादिया, यू आर दिस क्वेश्चन किलिंग मी. मतलब पाकिस्तान को मैं कैसे नहीं मिस करूं, लाइक मुझे तो इतना टाइम हो गया मैं पाकिस्तान नहीं गई, और अभी कोरोना वायरस की वजह से लाइक हर जगह वायरस वायरस की बातें होती है. सो इट दिस टाइम मुझे अपने घर वालों की बहुत ही ज़्यादा याद आती है,
बस जल्दी से ये सब कुछ ख़त्म हो और मैं घर जाऊँ। मैं तो बहुत मिस करती हूँ घर को, बहुत ज़्यादा। और क्योंकि चाइना के जैसे कोरिया है, तो कोरिया में मुझे पता है, अगर कोई मुझे कोरिया के बारे में कुछ पूछे तो मैं आसानी से बता दूंगी। तो आप मुझे चाइना के बारे में ये बताएं कि ना चाइना में मतलब क्या फेमस डिश है खाने पीने की, और क्या आप लोग बाहर वगैरह खाते हो या घर में कुकिंग करते हो, और ना अगर आप चाइनीज़ कुछ रिकमेंडेशंस भी करें तो जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी जाके वो चाइनीज़ फूड फाइंड करेंगे, और मैं भी कोरिया में चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाके कुछ वो चाइनीज़ डिश ढूंढूंगी। अगर आप अगर कुछ रिकमेंड करना चाहें चाइनीज़ कोई स्पेशल सी डिश, जैसे कोरिया में बहुत सारी डिशेज हैं, जैसे वो भुकम पाप है, बिबिम पाप है, और पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारी डिश, और पाकिस्तान में तो बहुत सारे कोरियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो डेफिनेटली चाइनीज भी होंगे। तो अभी ना आप मुझे चाइनीज के बारे में कुछ बताएं मजे मजे का। दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, क्योंकि मुझे खाना खाना बहुत पसंद है और खाना बनाना भी। ओके, तो चाइना में सबसे ज़्यादा लोग यही नूडल्स वगैरह खाते हैं या फिर बॉयल्ड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, लेकिन हम मुस्लिम हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम रेस्टोरेंट पे जाते हैं। तो वहाँ पे सबसे बेहतरीन खाना जो है ना वो तापेंची और इनके यहाँ के डम्पलिंग्स हैं। तो फिर अगर मैं किसी को सजेस्ट करूँगी, क्योंकि तापेंची समथिंग न्यू है और वो बहुत ही ज़बरदस्त है खाने के लिए, टेस्टी भी है बहुत। और जैसे पाकिस्तान में कैसे बनाते हैं कोई बड़ी डिश, मुर्गी ये सारा कुछ, और उसमें उस तरह का डिश है, बहुत बड़ी से प्लेट में डाल के देते हैं, वो तो देखने में भी बहुत हसीन है, तो वो सबसे ज़बरदस्त है। अभी का एक जो मेरा सवाल है वो बहुत ही सवाल ऐसा है कि लड़कियां बहुत ही इंटरेस्टेड होंगी, जैसे कि कोरिया है, कोरिया में ना कोरिया की कॉस्मेटिक्स जो है वो बहुत ही फेमस है वर्ल्ड वाइड, मतलब इफेक्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं, तो ना क्या चाइना में कोरियन कॉस्मेटिक्स के बहुत सारे शॉप्स हैं कि नहीं है, और क्या चाइनीज के खुद के भी मतलब फेमस ब्रांड्स हैं, कौन से हैं वो आप हमसे शेयर करें ताकि हमें पता चले। जैसे कोरियन तो बहुत सारे पता ही है सबको, हर जगह कोरियन चलता है, लेकिन चाइनीज भी आप हमें कुछ बताएं। आई नो कोरिया के कॉस्मेटिक्स तो ऑन ट्रेंडिंग है, हर कोई उनकी कॉस्मेटिक्स यूज़ करना चाहता है। और अगर बात की जाए चाइना की, तो चाइना में अभी मुझे ये 5th ईयर एंड होने वाला है, तो मैंने कभी भी चाइनीज़ कॉस्मेटिक नहीं यूज़ किए हैं। बहुत सारे सिर्फ बीएच कॉस्मेटिक एक चाइनीज़ ब्रांड है जिसकी कुछ चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, बहुत अच्छी हैं। चाइना का मेकअप बहुत अच्छा है अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किए। उसके वजह यह है क्योंकि वो हमारे स्किन टोन के लिए नहीं है, तो इसीलिए मैं इग्नोर करती हूँ इन सारी चीज़ों को। तो मैंने चाइना के कॉस्मेटिक्स नहीं यूज़ किए, लेकिन ये जो BH कॉस्मेटिक है इसके मैंने यूज़ किए हैं, अच्छे हैं बहुत। और कोरियन कॉस्मेटिक्स के शॉप की बात की जाए तो हाँ, ऑनलाइन यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन है, तबाओ वगैरह, हमारे सिटी में तो नहीं है क्योंकि हमारा सिटी इतनी ज़्यादा बिग नहीं है, लेकिन ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है हमें चाइना में। सवाल है वो तो आपके लिए फेवरेट होगा, क्योंकि जैसे कि आप बलोच हैं, मैं भी बलोच हूँ, तो ना मैंने आपके रिसेंटली कुछ वीडियोस देखे, आप बलोची बोलती हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सुन के, इंशाल्लाह मैं भी कभी बोलूंगी, तो ना आप ना मुझे ये रोम भी आ गया मेरे सर पे, तो आप ना अभी बलोची में मतलब कुछ बताएं, कोई भी बात करें कुछ, मतलब लोग जिनको बलोची लैंग्वेज कभी नहीं सुनी वो बलोची सुने, और जिनको बलोची आती है वो बलोची इंजॉय करें, तो आप कुछ भी मतलब 2-3 लाइन्स बलोची में थोड़ा बोल के दिखाएं। ओह माय गॉड, बलोची में मैं क्या बोलूँ अभी मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि पूरा वीडियो ये उर्दू में था और अचानक से मैं बलोची बोलूँ। चलें, आपकी खातिर थोड़ा सा मैं बोल लेती हूँ। हाँ आओ कभी, लुक लुक आई एम कंफ्यूज टोटली। ओके, आओ कभी कभी मनवती चैनल से बलोची ड्रेसिंग या वाले या बलोची लैंग्वेज तो का बलोची अवर खाना भले। ऑलमोस्ट आई यूज टू स्पीक उर्दू ची अखे मन लोटा के बास मर्दों मनी वीडियो बेचारे। सो इतना सही था बलोची, बस आपको दिखाने। और हाँ ये जो सवाल है वो मेरा है, मेरा ये कि ना मैं मतलब आपसे कब से पूछना चाह रही थी, और इस वीडियो के थ्रू पूछती हूँ कि आपकी जो बलोची ड्रेसेस हैं वो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी थी, मैंने आपके वीडियोस में देखा, और जो जो वीडियो देख रहे हैं जाके जरूर चेक करें, बहुत ही प्यारी थी, तो आप ना मतलब कुछ रिकमेंड कर सकते हैं कोई ऑनलाइन स्टोर हो या कुछ ऐसा कि जैसे मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं शॉप कर सकूँ, बाय कर सकूँ वहाँ से, या फिर आप कुछ आइडिया दें आपने कहाँ से बनवाई, या कोई अगर खरीदना चाहे तो कहाँ से खरीदे इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस, अगर मैं खरीदना चाहूँ तो कहाँ से खरीदूँ।
बलोची ड्रेस, मेरे जितने सारे बलोची ड्रेस हैं वो सब मेरी मॉम खुद डिज़ाइन करवाती हैं, लेकिन अगर लाइक आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन बाय करने का, तो आजकल मीर डील है वो एक ब्रांड, इंस्टा पे भी उनका अकाउंट है, उनके शॉप्स भी हैं हर जगह मतलब पाकिस्तान में, तो आप लोग वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और उसके अलावा तनवीर क्लॉथ है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने इन सारी चीज़ों पे भी बहुत बड़ी वीडियो बनाई हुई है, उसके नीचे मैंने लिंक्स भी दी हुई हैं, लिंक्स मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से इजीली आपको मिल जाएंगी ड्रेस। बलोची ड्रेस तो वैसे ही हैं बहुत खूब। ये लास्ट सवाल कुछ भी नहीं है, ये सब अभी आपके ऊपर है। तो आप के साथ आज मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है जो जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को भी अच्छा लग रहा है आपका सवाल जवाब जवाब सुन के। तो अभी ना आप जो भी कहना चाहती हैं आप कह सकती हैं मेरे सब्सक्राइबर को, या जो भी लोग नए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं भी किया वीडियो देख रहे हैं उनको, कुछ भी अगर आप कहना चाहती हैं तो आप कह सकती हैं, इट्स ओपन प्लेटफॉर्म, तो ना आप कुछ भी कहें। और आपके साथ मिल के बहुत ही अच्छा लगा, मिलते अगली वीडियो में इंशाल्लाह, कभी हम फेस टू फेस मिलेंगे अगर मैं चाइना या आप कोरिया है तो कहिए। थैंक यू सो मच सादिया, मुझे भी आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और एट द एंड मैं क्या बोलूँगी, मैं सबको ये बोलूँगी कि थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहें। कुछ भी आपने अपने लाइफ में करना है, आप जो चाहते हैं करने के लिए वो सब करें, कभी भी किसी के साथ कंपटीशन ना करें, जो आपका दिल करे वो करें। और ज़िंदगी कभी भी आपको कुछ भी करने का मौका दे, उस मौके को कभी भी हाथ से ना जाने दें, अपनी पूरी कोशिश करें, एक काम नहीं बनेगा तो दूसरा काम ज़रूर बनेगा। तो बस इतना सा ही है, और बस खुद भी आगे निकलें और दूसरों को भी आगे जाने दें, इतना ही है। थैंक यू यहाँ पर बुलाने के लिए, और आप सब लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स, ये था मज़े मज़े की कुछ ये बातें मेरे और उनके बीच में, पाकिस्तानी फ्रेंड के बीच में। तो उम्मीद है आप लोगों ने बहुत कुछ देखा सुना, और अभी ना आप लोग क्या करेंगे कि उनका जो चैनल है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाके वहाँ जल्दी से जाएं, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ उनकी वीडियोस शेयर करें। और जो बलोचिस्तान के लोग हैं या जो जिन जिनको बलोची आती है उनके लिए तो वो चैनल बहुत ही मज़े का है, क्योंकि वो आपको वहाँ पर बलोची ड्रेसेस वगैरह मिलेंगी दिखने को, और क्या कहते हैं बलोची लैंग्वेज सुनने को मिलेगी। मैं खुद बलोच हूँ, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं भी कभी ना बलोची में कुछ वीडियो बनाऊंगी ज़रूर। और मेरे पास अभी बलोची ड्रेस नहीं है, सिंधी ड्रेस है, मैं सिंधी बलोची दोनों हूँ, तो इसलिए ना मैं दोनों दोनों कल्चर्स को फॉलो करती हूँ, क्योंकि मेरे फादर बलोची अम्मी सिंधी, सो मैं दोनों दोनों में हूँ, तो इसलिए ना मैं भी इंशाल्लाह कभी बलोची में वीडियो करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो चाहते हैं कि मैं बलोची बोलूँ सुने, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर उनका वीडियो चेक करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में, उम्मीद है आपने इंजॉय किया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, खुदा हाफिज़।